हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टेक कैंपस चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में जो हमारी टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग का पार्ट थर्ड, जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग सीख रहे हैं। तो इस पार्ट थर्ड में आप क्या क्या सीखेंगे उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे इस वीडियो में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस है इस टॉपिक में, और इसके पिछले भी दो पार्ट्स आपने देखा होगा, मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो तीसरी पार्ट है ये अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग की, जो कि सी प्लस 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 में हम लोग देख रहे हैं ये, और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो चलते हैं और देखते हैं थ्योरी क्लास में क्या क्या चीज़ आप सीखेंगे इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्लियर कर लें कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग की जो कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर, तीन डिजिट का एक नंबर जिसके हर डिजिट का सम निकालना है। ये तीन नंबरों का सम नहीं है, ये एक ही नंबर आपको लेना है इसमें इनपुट, जिसमें तीन डिजिट हो, जैसे 123, 125, 100 से लेके 999 तक जितने भी नंबर आएंगे वो तीन डिजिट के नंबर होंगे, वो आपको इनपुट कराना है और फिर उनके डिजिट्स को निकालने पड़ेंगे क्योंकि वो एक ही नंबर होगा। फिर उन सारे डिजिट्स को निकालने के बाद आपको सम करना है, और ये सारा काम, ये प्रोग्राम आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखना है। मैंने सी में इसका वीडियो बना दिया है, आई थिंक आपने देखा होगा, लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस के बिगिनर्स हैं तो हम लोग सी प्लस प्लस में भी इसको सॉल्व करके देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है रिवर्स निकालने का। कोई भी तीन डिजिट का नंबर जैसे 123, उसका रिवर्स क्या होगा 321। तो लॉजिक थोड़ा सा इसमें चेंज होगा क्योंकि रिवर्स अगर बनाना है तो नंबर से डिजिट तो निकालना ही पड़ेगा और उसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करके फिर एक नया नंबर बनाना है जो कि उसका उल्टा होगा। ये भी प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस वीडियो का, जिसमें तीन डिजिट का नंबर हम लोग इनपुट करेंगे और उसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट को निकालेंगे और उस दोनों को सम करके फिर डिस्प्ले कराने का ये प्रोग्राम है। तो आई थिंक ये तीनों प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो वीडियो देखने से पहले, और फिर वीडियो चला के आप चेक कर लेना कि आपने जो बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया, अगर कहीं उसमें गलती हो गई होगी तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। और लास्ट में इस वीडियो के अंत में हम लोग इस तीनों प्रोग्रामों को रन करके भी देखेंगे कोड ब्लॉक, जो सॉफ्टवेयर है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर। तो इसकी जो प्रोग्राम होगी उसमें वेरिएबल की रिक्वायरमेंट एक नंबर होगा n, और डिजिट निकालने के लिए d, और सम करने के लिए s इक्वल्स टू 0 हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पे 0 इसलिए लिया गया है कि अगर हम लोग सम करते हैं अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो वो गार्बेज वैल्यू यहाँ पे ले लेगा, जिससे कि आपका आउटपुट गलत हो सकता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं यूज़र से और एक नंबर इनपुट कर लेते हैं तीन डिजिट का। उसके बाद उस नंबर से डिजिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, आप इसको कॉपी पे ट्रेस करके देखना कोई भी नंबर लेके। तो जब कोई भी नंबर में आप 10 से मॉडुलस करते हो तो उसका सबसे लास्ट डिजिट आपको मिलता है, तो वो हम लोग डी में स्टोर कर रहे हैं, और फिर सम के लिए जो एस लिए हैं एस में उसको ऐड करके फिर अगली बार के लिए एस में ही स्टोर करा देते हैं नया नंबर, है ना। और डिजिट निकलने के बाद, एक डिजिट निकलने के बाद जो हमारा नंबर बच गया, चूँकि इस तीन फॉर्मूला को हम लोग तीन बार रिपीट करेंगे, ठीक है। अब तीन बार क्यों रिपीट करेंगे, क्योंकि ये तीन डिजिट का नंबर है और अभी तक आप लोगों ने लूप नहीं पढ़ा है। तो लूप जब आप पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को बिना रिपीट किए हुए इन तीन फॉर्मूला को हम लोग चाहेंगे तो रिवर्स और सम ऑफ डिजिट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग है बेसिक है तो आपको ये तीनों फॉर्मूला रिपीट करना होगा। और n mod 10 से मैं बता रहा था कि एक डिजिट निकलने के बाद जो नंबर आपका बच जाएगा वो उसका क्वोशेंट होगा, तो जब आप इसको 10 से mod करेंगे तो क्वोशेंट यहाँ n में आप स्टोर कर लेंगे दूसरी बार। तो पहली बार ये तीन के लिए काम करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 123, तो फर्स्ट टाइम d में 3 आएगा और s में 3 जाएगा, फिर सेकेंड टाइम n बचेगा 12 एक डिजिट छोड़ के, तो नेक्स्ट टाइम जब इसको आप रिपीट कीजिएगा तो d में वैल्यू आएगी 2 और सम हो जाएगा हमारा 5, पहले से 3 था और नंबर बच जाएगा 1, और तीसरी बार जब आप इसको रिपीट कीजिएगा तो डी में मिलेगा 1, एस में पहले से है 5, अब हो जाएगा 6 और एन हो जाएगा 0। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट एस को प्रिंट कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो इस तरीके से आ जाएगा।
तो आई थिंक समझ सकते हैं आप इसमें ये तीनों फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, ये डिजिट निकालने के लिए, ये सम करने के लिए, और ये डिजिट निकालने के बाद जो नंबर बच जा रहा है उसको अपडेट करने के लिए हम लोगों ने किया है। और तीन बार क्यों रिपीट करना पड़ रहा है मैंने बता दिया है, चूंकि ये तीन डिजिट के लिए अलग अलग काम करना होगा, तो तीनों डिजिट के लिए अलग अलग आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपने समझ लिया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट करें, चूंकि कॉमेंट से कम्युनिकेशन होगा और कम्युनिकेशन से ही एजुकेशन अच्छी होगी। तो मेरा ये मानना है कि आप हमसे कम्युनिकेट जरूर करें, मैं जरूर रिप्लाई। हम लोग आगे बढ़ते हैं रिवर्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर निकालने के लिए। सारी लॉजिक वही रहेगी, केवल एक चेंज करना है, एस के जगह पे आरएन हमने मान लिया है रिवर्स नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को सम नहीं करना है, नंबर को अरेंज करना है, नंबर बनाना है। तो जो भी डिजिट आ रहा है, लास्ट डिजिट हमारा निकल रहा है, मैंने पहले ही बताया कि एन मॉडुलस 10 करने से लास्ट डिजिट निकलता है, और उसको 10 से आरएन इंटू 10 प्लस डी जब आप करेंगे, इसको आप ट्रेस करके देखना रफ कॉपी में, तो ये धीरे धीरे नंबर बनता जाएगा। और इस तीनों फार्मूला को हमें तीन टाइम रिपीट करना है। मैं एक एग्जांपल पे आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो डी निकलेगा वो है 3। जब आरएन इंटू 10 करेंगे तो आरएन में 0 प्लस 10, 0 इंटू 10 क्या हो गया 0, प्लस डी करें यानी 3, तो हमारा जो आरएन बच गया वो क्या बचा 3। उसके बाद एन को जब आप अपडेट कर देंगे तो बचेगा 12, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा है। तो डी हमारा निकलेगा दूसरी बार 2, और आर एन हमारा है 3, तो 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटपुट में। और फिर हमारा जो एन है वो 1 बचेगा। जब तीसरी बार आप इन फॉर्मूला को रिपीट करेंगे तो आपका डी निकलेगा 1 और आर एन रहेगा 32, तो 30 इंटू 10 जब आप करेंगे तो 320 प्लस 1 321 आपका आ जाएगा, और एन लास्ट में 3 तीसरी बार एन हमारा इस फॉर्मूला से 0 हो जाएगा। तो लास्ट में जो आर एन में वैल्यू स्टोर हुई 321, वो हमेशा क्या होगा, उस नंबर का रिवर्स होगा, जिसे हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक रिवर्स वाले में थोड़ा सा चेंज था, बस ये फॉर्मूला चेंज है जो कि मैंने आपको समझाया है। आप कॉपी पे इसको ट्रेस करके देखना, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं सम ऑफ लास्ट डिजिट के फॉर्मूला में, बहुत ही आसान है। इसमें ऑलरेडी आपके पास लास्ट डिजिट निकालने का फॉर्मूला है एन मॉडुलस 10, जो कि मैंने पिछले दो क्वेश्चन में अभी बताया इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट डिजिट के लिए एक बार में अगर आप चाहते हैं फर्स्ट डिजिट, तो उसके लिए ध्यान रखना है कि जितना डिजिट का नंबर होगा, अगर थ्री डिजिट का नंबर है तो थ्री डिजिट के सबसे छोटी संख्या जो होगी, जैसे 100, अगर फोर डिजिट का होता तो 1000, है ना, उससे आप मॉड डिविजन कर देंगे तो जो क्वेश्चेंट आएगा वो हमेशा फर्स्ट डिजिट आएगा। आप इसे ट्रेस करके देख सकते हैं, कोई भी एक डिजिट, तीन डिजिट या चार डिजिट का नंबर लेके, जैसे यहाँ पे 123 हम लोगों ने दिया है, जब 123 में आप 100 से मॉड करेंगे तो ये हमेशा 1 से डिवाइड लगेगा, तो क्वेश्चेंट हमेशा 1 आएगा। और लास्ट डिजिट तो आप देख ही रहे हैं, तो क्वेश्चन से जब भी आप डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 3 आएगा, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा इसमें 4, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट में मैंने आपको दिखाया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें बस थोड़ा सा फर्स्ट डिजिट के लिए मैंने चेंज किया है, बाद बाकी सब कुछ तो आप जान रहे हैं, पिछले दो क्वेश्चन में मैंने बताया। तो फर्स्ट डिजिट के लिए ध्यान रखना है कि जितने डिजिट का नंबर है उससे उतनी डिजिट की सबसे छोटी संख्या जो होगी उससे आपको मॉड डिवीजन करना है। इसलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और सारे थ्योरी प्रोग्राम को नोट कर लीजिए। हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चल रहे हैं और देखने जा रहे हैं कैसे ये प्रोग्राम रन करेगा, कोई एरर आता है तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए यूजर्स को, जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उनको और कहना चाहता हूं कि आगे इस तरह की वीडियो अगर आप देखना और सीखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमसे, कोई पैसा नहीं आपको लग रहा है, आप केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे कि वीडियो आपको अपने आप मिलती जाए। और जो हमारे पुराने और नए यूजर्स हैं, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन लाइक बटन पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप लाइक और शेयर भी हमारे वीडियो को जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में देखते हैं इन प्रोग्राम को रन कराएं। क्लास ऑफ दिस वीडियो, आज इस वीडियो में आप लोग सीख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग का तीसरा पार्ट, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जैसे कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर, रिवर्स नंबर, और फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को कैसे जोड़ा जाए। तो चलिए उन प्रोग्रामों को हम लोग रन करके देख लेते हैं। ये कोड ब्लॉक हमने ओपन कर लिया है, इसके साइज को मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। अब यहाँ पे कोडिंग करनी है हम लोगों को, तो पहले प्रोग्राम को आप सेव कर लें किसी नाम से। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग का तीसरा पार्ट है, ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट डॉट सी पी पी सेव कर लिए।
अब यहाँ पे कोडिंग हम लोग कर लेते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग स्पेस अंदर आपको मैस वेरिएबल डिक्लेयर करना है तीन, एक एन डी कॉमा एस इक्वल्स टू जीरो। थ्री डिजिट नंबर इनसे इनपुट ले लीजिए एन में, और इक्वल्स टू एन मॉडुलस 10 डिजिट निकालने के लिए एस इक्वल्स टू एस प्लस डी डिजिट को जोड़ने के लिए, एन इक्वल्स टू एन मॉड 10 डिजिट निकालने के बाद जो नंबर बच जाएगा उसके लिए। अब यहाँ पे तो आपको तीन बार इसे लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, तीन बार इसको रिपीट कीजिए, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करना है, तीन बार इसे रिपीट करना है तीन अलग अलग डिजिट्स के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप प्रिंट कर दीजिए, सम ऑफ डिजिट नंबर, यहाँ पे किसको प्रिंट करना है, एस को, रिटर्न लिख दीजिए, बस हो गया। अब इसको सेव कर लीजिए आप, यहां से आपको कंपाइल करना है, कंपाइल करने से पहले बिल्ड कीजिए, कोई एरर नहीं है, अब इसको आप रन कर सकते हैं। मांग रहा है आपसे थ्री डिजिट नंबर, यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर डालिए, इसका आउटपुट आ रहा है, आप कोई भी नंबर डाल के चेक कर सकते हैं खुद से, तो ये जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ रहा है, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब ये प्रोग्राम आपका रन कर गया है, कुछ नहीं करना है, थ्योरी क्लास में आपने देखा ही है, मैंने आपको एक बार रन करके दिखा दिया, अब भी इसको खुद से ट्राई करना। चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को ही सेव एज कर लेते हैं दूसरे नाम से, इस बार हम लोगों को बनाना है रिवर्स का प्रोग्राम, तो रिवर्स डॉट सीपीपी के नाम से इसको सेव कीजिए, और जहाँ भी चेंजेस करने हैं आपने देखा होगा थ्योरी क्लास में बहुत छोटा सा चेंज है, यहाँ पे आर एन इक्वल्स टू जीरो कीजिए, और फॉर्मूला में चेंज है उसको आप चेंज कर, आर एन इक्वल्स टू आर एन इंटू 10 प्लस डी, ठीक है। अब यही फॉर्मूला आपको, अब बाद बाकी वैसे ही रहेगा सब कुछ, इसलिए उसको चेंज मत कीजिए। अब जहां जहां एस का फॉर्मूला था वहां वहां इसको आप पेस्ट कर दीजिए, मैसेज यहां से चेंज कर लीजिए, आप सम की जगह पे क्या कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए, रिवर्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर, यहां एस की जगह पे आपको क्या पे? तो सेव कर लीजिए, बिल्ड पे क्लिक करके फिर रन कर लीजिए, कोई एरर नहीं है, रन करिए। नंबर मांग रहा है आपसे, नंबर दे दीजिए, देखिए इसका रिवर्स आ गया 321, तो जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, बाद बाकी सब कुछ वैसे ही है ना, तो रिवर्स भी आपका निकल जाएगा, आप अलग अलग नंबर भी डाल के चेक कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट डॉट सीपीपी के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। इसमें आपको उतना फॉर्मूला भी यूज़ नहीं करना है, और यहाँ पे थोड़ा वेरिएबल भी चेंज कर लीजिए, एफ टी और एक एल डी आप ले लीजिए लास्ट डिजिट के लिए, वापस इसको आर एन को एस कर दीजिए सम के लिए, तो लास्ट डिजिट तो ऑलरेडी मॉडुलस से निकल जाएगा, बाद बाकी को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, देखिए
ये लास्ट डिजिट के लिए फार्मूला सूटेबल है, एन मॉडुलस 10 से लास्ट डिजिट निकलता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तीन डिजिट की सबसे छोटी संख्या यानी 100 से डिवाइड करना है, उससे क्या होगा आपका फर्स्ट डिजिट निकल जाएगा। उसके बाद आपको दोनों को जोड़ लेना है, तो एसिस्कल टू एफ डी प्लस एल डी करना है, ठीक है। और फिर मैसेज भी आपको चेंज करना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, और यहां पे आरएन की जगह पे हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो थ्योरी में फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है और सारी चीजें हैं। अब इसको आप सेव करके यहाँ से कंपाइल कर लीजिए, फिर एग्जीक्यूट कीजिए, वही नंबर डाल के आप देखिए जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका आ जाएगा यहाँ पे 4। अब कोई भी नंबर डाल के देखना तो जो हम लोगों ने माना वो आउटपुट हमारा आ रहा है, और भी नंबर पर आप चेक कर सकते हो। और इस प्रोग्राम को, इन सारे प्रोग्रामों को आप खुद से रन करके देखना, अगर रन हो जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि प्रैक्टिकली भी आप लोगों ने इस प्रोग्राम, इस सेक्शन को जो अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग की थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट थी। और भी अगर क्वेश्चन कोई आपके पास हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसको अलग से वीडियो बना दूंगा। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट ओपन किया है डिमांड वीडियो, जिसमें अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम में अगर एरर हो C++ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप मुझे कमेंट करोगे, मैं रिप्लाई में एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।